अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव हुजूपुर से, जहां सरकारी विद्यालय के समीप स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में बीती रात को शराब पीकर गांव के कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर में रखे शिव परिवार में माता पार्वती की मूर्ति को तोड़ डाला। जानकारी के अनुसार गांव के ही एक युवक ने शराब पीकर रखी मूर्ति को ईंट पत्थरों से तोड़ दिया व मंदिर में लगी बिजली की लाइन, लाइटों व बोर्ड को उखाड़ दिया। मंदिर के गेट का ताला न टूटने से अंदर रखी दान पेटी, एम्पलीफायर, इन्वर्टर, बैटरा आदि अन्य कीमती सामान चोरी होने से बच गए। घटना की जानकारी तब हुई जब लोग पूजा पाठ करने आए तो मंदिर में मूर्ति को टूटा हुआ देखकर दंग रह गए व उक्त घटना की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया तो मंदिर में टी शर्ट मिली, जिसकी पहचान गाँव हुजूपुर निवासी मोहित की टी शर्ट के रूप में की गई। घटना के संबंध में गाँव वासियों ने गाँव के ही मोहित पुत्र रणवीर के खिलाफ उक्त घटना के संबंध में नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मोहित को हिरासत में ले लिया। चौकी प्रभारी अभय प्रताप सिंह का कहना है कि जो कपड़े मिले हुए हैं उन्हीं के आधार पर युवक को पकड़कर पूछताछ की, जिससे उसने शराब पीकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। तस्वीरी नाम है जी। आज मंदिर पर क्या घटना घटी रात्रि? मंदिर पर घटना थी, सुबह देखी मंदिर पूरा पड़ा है, तोड़ गए, परिवार पूरा खत्म कर दिया। मतलब कर दिया ये? किसने दिया घटना को अंजाम? घटना कोई असली तथ्य ही है जो लोग बंद कराए अरेस्ट कराए। कहा आपके साथ में पूर्व में घटना हुई थी? पूर्व में घटना हुई थी मेरे साथ। क्या घटना हुई थी? गाड़ी रोकी थी, आदमी जी का माथा चला गया था चुपचाप यहाँ से 2 महीना पहले। और मंदिर पर क्या घटना घटी है? मेरा नाम राजकुमार है जी, और मैं छजूपुर का ही रहने वाला हूँ। और इस गांव का जो मंदिर है, इसकी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी जी। कुछ कारण की वजह से 15 साल बंद रहा, लेकिन सेठ जी कुछ लोगों के अच्छे मन मानवों की वजह से इसको पिछले साल बनाया गया, 1.5 साल पहले तैयार कर दिया गया। और इस पे बहुत अच्छा पूजा पाठ रोज चल रहा था, लेकिन इसमें हर महीने रात्रि क्या घटना हुई है? रात्रि घटना ये हुई है जी, किसी ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे जो है तो कुछ लोग दारू वारू पी के यहाँ पे तोड़ फोड़ शिवलिंग की मूर्ति तोड़ दी, जैसे पार्वती जी की, और उस पर कोई सोच बोझ करी है उन्होंने, और यहाँ पे बोतल भी पड़ी हुई है पेप्सी वगैरह की। इस घटना से गांव में आक्रोश की स्थिति है? इसमें आक्रोश इतना ज्यादा है कि ये मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, इस पे जो है इसलिए ज्यादा विरोध है गाँव में कि भाई इसका जल्दी से जल्दी वो करा जाए कार्रवाई इस पे। मेरा नाम सर मान सिंह है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, रिटायर कर्मचारी हूँ। हमारे गाँव का संबंध ये बड़ी मेहनत से बनाया हमने, लेकिन जो आज रात जो घटना हुई है, उस घटना के अंदर हमारा जो मंदिर में सब परिवार स्थापित था, वहां माता पार्वती की मूर्ति तोड़ दी गई है, और शिव परिवार के ऊपर ही सोच भी किया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, और जितनी भी मंदिर के अंदर फिटिंग थी सर, वो सारी फिटिंग की तोड़फोड़ कर दी गई है। इसकी शिकायत आपने पुलिस को की है? इसकी हमने शिकायत पुलिस को की थी, 100 नंबर पे की थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ चौकी इंचार्ज श्री अभय प्रताप सिंह जी पहुंचे, और उन्होंने मौके पे ही उस आदमी को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उसके बाद हम थानाध्यक्ष के पास पहुंचे, हमने वहां एक तहरीर लिख दी है, और थानाध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि आपके साथ अन्याय किया जाएगा, और मंदिर का मामला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, और इनको हम जेल भेजेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर इस बात का गांव में बहुत ही रोष है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।